लजीज और गर्मा गर्म पिज्जा। इनमें आटा है, टमाटर सॉस है, चीज है और टॉपिंग्स भी। लेकिन ये पिज्जा एक खास बेकर ने बनाए हैं, जिसका नाम है पाजी। ये रोबोट खास है, ये एक घंटे में 80 पिज्जा बना सकता है, एक साथ कई पिज्जा बेक कर सकता है। इटालियन में पाजी का मतलब होता है पागल, और ये पिज्जा जैसा भी सुनाई पड़ता है, तो हमने सोचा कि ये हमारे रोबोट के लिए परफेक्ट नाम है। प्रोजेक्ट के सह संस्थापक सेबास्टियन रोवेर्सो और उनकी टीम को इसे तैयार करने में 7 साल लगे। इस पर लाखों यूरो की लागत आई है। उनका मकसद था कम से कम स्टाफ के साथ क्वालिटी पिज्जा बनाना। पेरिस में ये रोबोट लगभग हर काम संभाल लेता है। ग्राहक अपने ऑर्डर स्मार्टफोन या एक टर्मिनल के जरिए दे सकते हैं। अब बेकिंग का समय है। सबसे पहले रोबोट ताजा आटे से पिज्जा बेस बनाता है, फिर उस पर टमाटर सॉस डालता है। रोबोट टॉपिंग के लिए चीजें खुद नहीं काट सकता। पिज्जा तैयार होने के बाद वो ओवन की तरफ जाता है, उसे बॉक्स में रखकर काटा जाता है। 5 मिनट भी नहीं लगते कि ग्राहक को ताजा पिज्जा मिल जाता है। ये सेटअप सिंपल दिख सकता है, लेकिन इसमें जटिल टेक्नोलॉजी लगी है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी सब कुछ प्रोग्राम करना। हमें सब कुछ तैयार करना पड़ा। ओवन हमें खास तौर से डिजाइन करना पड़ा। हमने डिश वॉशर रोबोट भी बनाया, जो हर 2 घंटे में अपने आप चालू हो जाता है। तो हमें रोबोट, उसका पूरा परिवेश और पूरा किचन बनाना पड़ा। रोबोट ने थियरी ग्राफानीनो से पिज्जा बेक करना सीखा, जो 3 बार वर्ल्ड पिज्जा चैंपियन रह चुके हैं। वो रेसिपी लिखते हैं, सामग्री चुनते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आटा उच्च गुणवत्ता वाला हो। चूंकि हर दिन ताजा आटा बनाया जाता है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। रोबोट खुद आटे को ठीक करता है। इंजीनियरों ने सेंसर लगाए हैं जो बताते हैं कि आटे को कितना मोटा रोल करना है। अगर कोई गलती हो जाए तो फिर रोबोट उसे ठीक कर देता है, और अगर आटा क्वालिटी वाला नहीं है तो उससे बना पिज्जा ग्राहक को नहीं दिया जाता। पाजी खुद भी एक आकर्षण है, लेकिन उसके बने पिज्जा बहुत पॉपुलर हैं, जो 7 से 14 यूरो में बिकते हैं। इटली का बेस्ट पिज्जा है ये, पता नहीं। अच्छा है, रोबोट ने बढ़िया काम किया है। स्वाद सामान्य पिज्जा से अलग नहीं है। लेकिन पाजी पारंपरिक पिज्जा बेकर्स की जगह नहीं लेगा, जैसे कि यहाँ नेपल्स में। थियरी ग्राफानीनो इस रोबोट को पिज्जा बनाने का एक नया और अलग तरीका मानते हैं। मेरे जैसा 3 बार का पिज्जा बेकिंग वर्ल्ड चैंपियन पाजी के साथ काम करता है, क्योंकि मैं नए आविष्कारों का स्वागत करता हूं। हम तेजी से बदलती दुनिया में रहते हैं, तो फिर पिज्जा बनाने में टेक्नोलॉजी क्यों न इस्तेमाल हो। पेरिस एरिया में अभी 2 पाजीरियां हैं। जल्दी विदेशों में कुछ और रेस्तरां खुलने वाले हैं, जिनमें पिज्जा बनाने वाले रोबोट होंगे।